वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। क्या कहता है? एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां, 40 पत्तियां उनकी लंबाइयां मिलीमीटरों में मापी जाती हैं निकटतम, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमने इसका माध्यक ज्ञात किया। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है 118 से 126 बट यहाँ उसके बाद गया था 127 से 135, फिर यहाँ पे गैप हो गया 136 से 144। तो हमारा माध्यक का फार्मूला है, माध्यक हमारे पास है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ ये हमारे निम्न जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा है, यहाँ पे सतत नहीं है, लगातार नहीं है, इनके बीच में गैप आ गया। तो सबसे पहले हमने सतत वर्ग अंतराल लेने पड़ेंगे, सतत मतलब लगातार वर्ग अंतराल, ये निकाल रहा हूँ मैं पहले। क्या लिखेंगे? अच्छा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 126 और 127 के बीच में कितने का अंतर है? एक का, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का। तो एक का अगर हम आधा कर दें वो बनता 0.5। इनमें से 0.5 घटाते जाइए और इनमें 0.5 जोड़ते जाइए, अपने आप सतत बन जाएगा। इसमें से 0.5 घटाता हूँ तो ये मेरा 117.5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 126.5। इसमें 0.5 जोड़ना है, इधर में घटाना, इधर में जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से घटाओगे 126.5 और 135.5, देखिए बन गया ना, 126.5 से सतत बन गया। इसमें से घटाओगे फिर 135.5, ये हो जाएगा 144.5। नेक्स्ट में करेंगे 144.5 153.5, नेक्स्ट हो जाएगा 153.5 162.5, फिर हो जाएगा हमारे पास 162.5 171.5, और यहाँ से 171.5 से 180.5। अब हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। n मतलब सारा टोटल, सबका टोटल कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो n हमारा हो गया 40 हो गया, n बाई टू कितना हो गया? 20 हो जाएगा। ये हमें f दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या f, हमने क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता भी निकालेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनको जोड़ते जाएं, सबसे पहले क्या आएगा? 3, 3 में 5 जोड़ा फिर कितना हो जाएगा? 8, 8 में फिर ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। हमने ये बताया था ये लास्ट वाला इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 20 जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 20 कहाँ पे है? 3 तक यहाँ पे, 8 तक यहाँ पे, 17 तक यहाँ पे, फिर 18, 19, 20, 29 तक यहाँ पे, कौन से में? इसमें। तो ये हमारा क्या बन गया? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया? 144.5 से लेके 153.5 तक बन गया हमारा, 144.5 से 153.5। तो L का मान मेरा निम्न वर्ग सीमा कितनी होगी? 144.5 होगी। N बाई टू का मान भी पता चल गया। अब H इनमें जो अंतर है वो कितना है? वो 9 का अंतर है, 9, ठीक है सब में। तो H की वैल्यू होगी हमारे पास 9 हो गई। फिर क्या निकालना रह गया? CF और F। इसके सामने वाली ये हमारे पास F होती है और इसके ऊपर वाली ये हमारे पास क्या होती है? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबार, ठीक है। तो CF का मान मेरा कितना हो गया? 17 हो गया, और F का मान हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। फार्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास जो माध्यक आएगा वो क्या बन गया? L का मान कितना है? 144.5 प्लस n बाई टू कितना है? 20 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 17 है, अपॉन f, f कितना आया हमारा? 12 है, h हमारा कितना है? 9 है। वैल्यू तो पुट करनी, बस 144.5 प्लस 20 में से 17 गया, 3, 3 बटे 12 और गुणा में 9, 3 से काटोगे तो 4 हो गया, ठीक है। 144.5 प्लस 4 को 9 से भाग किया, 2, 4 दुनी 8, 1 बचा, फिर 4 दुनी 8 और 4 पंजा 20, इनको जोड़ दीजिए।
146.75 आपका क्या आ गया, ये माध्यक आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा था। चलिए नंबर पाँच को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए इनके माध्यम से। जीवनकाल घंटों में 1500 से लेकर 2000 14 लैंप चलते हैं, 2000 से 2500 घंटे 56 लैंप चलते हैं, इस तरह की हमें सारणी दी हुई है। और एक लैंप का माध्यक जीवन काल, तो माध्यक निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता था, माध्यक का फार्मूला है हमारा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग लेना है। माध्यक वर्ग के लिए हमें एन बाई टू, एन हमारा कितना है, ये 400 कह रहे हैं, तो इनका सबका जो टोटल बना वो 400 बनेगा, दैट इज एन। सो एन 400 है और एन बाई टू कितना हो जाएगा, 2 से भाग करोगे कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। सी एफ निकालेंगे तब हमारे पास पता चलेगा कौन सा हमारा माध्यक वर्ग है, ये हमारा एफ है। तो सी एफ, सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। जोड़ते चलिए हम इसको, ये 14 और 56 कितना हो जाएगा, 70। 1500 से 2000 के बीच में इतना, और 1500 से 2500 के बीच में अभी दोनों जुड़ जाएंगे, 70। 70 में 60 जोड़ेंगे 130, फिर ये जोड़ेंगे 216, 216 में 74 जोड़ेंगे 290, 290 में 62 जोड़ेंगे 352, 352 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n बाई टू हमारे पास 200। अब ये देखिए इसमें 200 कहाँ है, 130 तक यहाँ पे है, 131 से लेके 216 तक कहाँ पे लाई करता है, इस वर्ग में। तो मेरा माध्यक जो वर्ग हुआ वो कितना हो गया, माध्यक वर्ग हमारा हो गया 3000 से लेके 3500 तक, ठीक है। तो L का मान निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारे पास, 3000 होगी, n बाई टू हो गया, h इनका अंतर कितने का है, 500 है इसमें, ठीक है। अब हमने जो माध्यक वर्ग होता है इसके सामने वाला ये हमारा f होता है और इसके ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है, cf। तो f का मान हमारा हो गया 86 और cf का मान हमारा हो गया 130। फार्मूले में पुट कर दो तो हमारा जो माध्यक बनेगा वो बन जाएगा L का मान 3000 प्लस N बाई टू 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता 130 बटे F। F कितना हो गया, 86, गुणा में H कितना है, 500 है। ये हमने सोल्व करना है। ये हो गया हमारा 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे कितना होएगा, 70। तो 70 गुणा में 500 बटे कितना हो गया, 86 हो गया, ठीक है। अगर हम काटना चाहें 2 से काट दीजिए, ये हो गया 35 और ये हो जाएगा 43। तो ये बनेगा 3000 प्लस 17500, इनकी गुणा करेंगे और बटे कितना हो गया, 43। तो आपने इसको डिवाइड करना है, 17500 को आपने 43 से डिवाइड किया, 4 पे गया कितना हो गया, 172 हो गया, 3 बच गया 30, नहीं जाएगा 0, फिर एक और उतार लेंगे कितने पे जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 3 18, 6 4 24 और 1 25 कितना बच गया, 42। पॉइंट लगा दीजिए, 0 उतारेंगे कितना हो जाएगा, 9 पे जाएगा, इतने तक बहुत है। तो 3000 प्लस 406.9 मतलब 3406.9 घंटे इसका क्या हो गया, एक लैंप का माध्यक जीवन काल हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।